नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त इसे लेकर तमाम तैयारी न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में की जा रही है। आपको पता है कि देश की आजादी का यह दिन है और इस दिन को पूरा देश किस प्रकार मनाता है, लेकिन इस बीच राजधानी पटना में 15 अगस्त को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद चौकसी बढ़ गई है। यह रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है और इस रेड अलर्ट के जारी होने के बाद क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं पटना एयरपोर्ट पर, वो हम आपको बताते हैं। और किस प्रकार सतर्कता बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। आपको पता है कि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय त्यौहार है नजदीक आता है, वैसे ही बड़े हमले का जो अंदेशा है या बड़े हमले का जो खतरा है वो मंडराने लगता है। जो देश की विरोधी ताकतें हैं वो किसी न किसी प्रकार से यहाँ की शांति को अव्यवस्थित करना चाहती हैं, यहाँ की शांति को भंग करना चाहती हैं। और इसीलिए जो है एक बार फिर से 15 अगस्त को लेकर पटना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर चप्पे पर निगहबानी कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और किस प्रकार जांच की जा रही है वो भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले के हैंडबैग को खोलकर देखा जा रहा है, यात्रियों के बेल्ट और जूते खुलवाकर भी तलाशी ली जा रही है। इसके कारण पहले जहां एक यात्री की तलाशी में 1 से 1.5 मिनट का समय लगता था, तो अब ये बढ़कर 2 से 3 मिनट का हो गया है और टर्मिनल के भीतर सिक्योरिटी होल्ड एरिया में लंबी कतार लगने लगी है। इसके पीक आवर में यात्रियों को सुरक्षा जांच में 1.5 घंटे तक का समय लग रहा है और परेशानी भी हो रही है। अलर्ट को देखते हुए सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट टर्मिनल पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी है। एयरपोर्ट परिसर के भीतर रनवे और उसके आसपास और बाहर कैनोपी के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरे परिसर की स्निफर डॉग से भी नियमित रूप से तलाशी ली जा रही है। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक 15 अगस्त पर दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारी को लेकर पटना से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट को रद्द किया जाएगा, जबकि 2 के समय में परिवर्तन होगा। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 15 अगस्त को लेकर सभी जिलों में विशेष सतर्कता अभियान बरतने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में तैनाती को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों के साथ ही जिलों के सीमा पार पर भी विशेष चौकसी बरती जाए, अंदर जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाकर वाहनों की जांच की जाए, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पुलिस की विशेष नजर रहे। सुरक्षा व्यवस्था में जिला पुलिस बल के साथ ही बिहार सशस्त्र पुलिस बल, महिला और लाठी बल भी लगाया गया है। अब देखिए, राजकीय समारोह के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब ट्रेनों में आरपीएफ सर्च अभियान भी चला रही है इसे लेकर के, तो बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाया जा रहा है। ये लगभग हर साल ही होता है। सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है और यात्रियों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी पुलिस की जिम्मेदारी है, और यही कारण है कि पुलिस 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क है। और पटना एयरपोर्ट पर इसका नजारा दिख रहा है, इसकी वानगी दिख रही है, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहां किसी को भी अगर कोई भी यात्री वहां से जा रहा है आ रहा है तो उसकी बाकायदा तरीके से जांच की जा रही है और बैग से लेकर के बेल्ट और जूते तक खोल करके चेक किए जा रहे हैं। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।